आज की वीडियो में मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन देने वाली हूँ। जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशन नहीं हो पा रहे, उनके लिए तो दिस इज द मोस्ट पावरफुल वीडियो। बट यस माय डियर फ्रेंड, इसको सुनने के बाद मैं लास्ट में आपको कहीं ना कहीं हल्की सी वीकनेस की फीलिंग आ सकती है या हल्की सी पावरलेसनेस की फीलिंग आ सकती है, क्यों वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप If you really want to manifest very easily, in fact instantly, क्यों नहीं manifestation हो रहा है, क्यों नहीं आपकी life बदल रही है, क्यों same वही routine आप same वैसे ही दोहराते जा रहे हो, result भी same मिलते जा रहे हैं, even आपने बहुत कुछ change करने की कोशिश की जैसे affirmation, gratitude, visualization, so many techniques, फिर भी आपके manifestation नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके पीछे कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है। यस माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो इज गोइंग टू लाइफ चेंजिंग वीडियो। क्यों? क्योंकि ये जो चीज मैं बताने वाली हूँ ये आपसे रिलेटेड है, और जब भी कहीं कोई बात खुद से रिलेटेड होती है ना तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ही है कि आपको उस समय कमजोरी महसूस होगी। क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी पे ब्लेम लगाते हो ना, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ, मैं तो बहुत पॉजिटिव रह रहा था पर मेरे दोस्त की वजह से ऐसा हुआ, मेरे परिवार वालों की वजह से हुआ, मेरे ऑफिस में मेरे बॉस ने मुझे डांटा इसलिए हुआ, या मैं तो टाइम पे पहुंच गया था इसकी वजह से मैं लेट हुआ, इसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले हुआ, इनफैक्ट ये उस समय सिचुएशन में सही रहता है भी है, बट कोर इसके पीछे कुछ और रहता है। और जब हम ब्लेम या इस तरह की चीज़ें दूसरों पे दोषारोपण करते हैं तो हम कैसा महसूस करते हैं, हम पावरफुल महसूस करते हैं, हमें लगता है हमारी कोई गलती नहीं, सारी गलती इसकी, और हमें ये बोलने में भी मज़ा आता है। आप इमेजिन करो कितनी बार दिन में आप ये सोचते हैं मेरी वजह से नहीं हो रहा है, मैं तो बहुत अबंडेंस की सोच रखता हूँ, होता है ना पावरफुल महसूस। और जैसे ही ये जिम्मेदारी आती कि नहीं ये उसकी वजह से नहीं आपकी वजह से हुआ है, और जैसे ही हमें लगता है यस आई एम अट्रैक्टिंग दिस, आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो क्या होता है कि हमें अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और जब हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो कहीं ना कहीं हमें वीकनेस की फीलिंग आती है, कमज़ोर होने की फीलिंग आती है, और जब तक ये फीलिंग नहीं आएगी माय डियर फ्रेंड आप चेंज भी नहीं होंगे। क्योंकि चेंज आपको होना पड़ता है, आपके वाइब्रेशन को होना पड़ता है, आपकी एनर्जी को होना पड़ता है, तब आपका एनवायरनमेंट बदलता है। आप इनसाइड में जैसे हो आउटसाइड में भी वैसे ही हो। तो यही इस वीडियो का कोर होने वाला है कि क्यों हम नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, क्यों हम मैनिफेस्टेशन को जल्दी नहीं मैनिफेस्ट कर पाते हैं। क्योंकि जैसे इस वीडियो के टाइटल में आपने पढ़ा ही होगा, You should forget everyone who hurt you. आप उन सबको माफ कर दीजिए जिन लोगों ने आपको कभी भी किसी भी तरह से तकलीफ दी हो। ये बहुत मुश्किल है, मैं भी समझती हूँ, क्योंकि क्या होता है जब तक कि हमारी एज हम 27, 29, इवन 30, 35 तक के भी होते हैं ना, तब तक भी हम इस दुनिया की जो पूरी गेम है उसमें इतना ट्रैप रहते हैं ना कि हम खुद के बारे में सोच ही नहीं पाते। बस हमारा जो एक ऑलरेडी फीडेड प्रोग्राम रहता है, जो हमारे पेरेंट्स फीड करते हैं, हमारे टीचर्स फीड करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट में जितने लोग हैं और जिनको हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, वो जो प्रोग्राम उन लोगों ने जो डाला होता है हम उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, और जो सब लोग कर रहे होते हैं हम भी कर रहे होते हैं। मैक्सिमम लोगों की बात है, जो रेयर 1-2% है उनकी बात अलग है। तब तक हमको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है, और इसको अगर हमें बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे। फिर सही जगह पहुंच पाना ये भी थोड़ा मुश्किल होता है। बट माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, यू आर इन राइट प्लेस, आई कैन एश्योर यू। यस, क्योंकि मुझे जब ये एक्चुअली बोलते हैं ना 40 के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो बस वैसी ही कुछ कहानी है। क्योंकि इतने दिन तक आप जो चीज़ स्टोर करके रखते हो, फिर जब खुद में इम्प्लीमेंट करते हो, उसके आपको रिजल्ट देखने मिलते हैं, तब आप उसके बारे में श्योर होते हो कि हाँ ये काम करता है, एंड देन यू टीच समवन।
तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि उन सब लोगों को माफ़ कर दो। बहुत मुश्किल है पर माफ़ कर दो, क्योंकि ये चीज़ें आपके जीवन में फ्यूचर में कुछ भी अच्छा रोल प्ले नहीं कर रही है। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएंगी, ये हमेशा वहीं रखेंगी, आपको स्टक रखेंगी, आपकी एनर्जी को। हमारे जो 7 चक्रास हैं, नीचे के जो मूलाधार है, मणिबंध है, स्वाधिष्ठान है, जो तीनों चक्र है, ये तीनों चक्र हमारे सर्वाइवल के चक्र होते हैं। इनमें ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दूसरों की आलोचना करना, इस तरह की भावनाएं, यानी अपने को प्रोटेक्ट करने की जो भावनाएं रहती है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, हम ही सब कुछ जानते हैं, हम तो सही थे, उसने गलत किया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये तीनों चक्रों में इस तरह की भावनाएं या प्रॉब्लम्स रहती, तो वो तीनों चक्र में एनर्जी स्टक रहती है। और इसके ऊपर की जो चक्र है, हृदय चक्र है, जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं ना, और ऊपर का एक चक्र है, एक सहस्रार्थ चक्र है, तो ब्रह्मरंध है ना, तो अनाहत चक्र है, और यहाँ का विशुद्धि चक्र है। तो इन सबके अलग अलग काम है, बट ये तीनों चक्र तक जब एनर्जी पहुँचती है, यहाँ तक पहुँचती, तब हम विजडम, बुद्धिमत्ता या आत्मा के सर्वोत्तम गुण तक पहुँचते हैं। तब जाके हमें विजडम मिलती है, बुद्धि मिलती है, तब हम जाके अपनी एनर्जी को चेंज कर पाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आपके अंदर किसी के लिए कोई ईर्ष्या, घृणा, द्वेष है, तो आप इन तीनों चक्रों से ऊपर अपनी एनर्जी नहीं ला सकते। और जब तक एनर्जी नहीं बदलेगी, वाइब्रेशन नहीं बदलेंगे, जब तक आप दिल से सच में किसी को माफ़ नहीं करोगे, वो एक चीज़ है जो आपके फ्लो को रोकेगी, आपकी एनर्जी को यहाँ से बढ़ने ही नहीं देगी। तो माय डियर फ्रेंड, आज की वीडियो का यही सार है कि आप 5 मिनट शांति से बैठिए और अपने आप को एनालाइज कीजिए, स्कैन कीजिए पूरी लाइफ का, एक विद इन ग्लिम्स की कौन कौन से ट्रॉमा हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कही हुई बातें आज भी मेरे दिल में उतनी ही चुभती हैं, और इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इस सारी चीज़ों को आप भुला दीजिए, माफ़ कर दीजिए, वो एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए, सिर्फ उसके बारे में सोचिए। जैसे मान लो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कई बार पेरेंट्स के वुंड भी बहुत कॉमन होते हैं। मैंने अक्सर जो मेरे पर्सनल सेशन में जिन लोगों ने बात की है, जो जिनके पुराने बिलीव्स को ख़त्म किया है, उनका कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स के वुंड रहते हैं, जो बहुत दिल तक उनको जकड़ के रखते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई एक ऐसा वुंड है कि उस समय आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो, और उसी समय या तो किसी ने उसको मना कर दिया हो, या बोला हो कि पहले तुम अपने आप को देख लो, क्या तुम्हारी उतनी डिज़र्विंग हो भी तुम कि नहीं, तुम ये ना लायक हो, तुम ऐसे हो, वैसे हो, जो भी अगर ऐसा कुछ बोला हो, तो इमेजिन कीजिए उस मोमेंट को, और आँख बंद करके सोचिए कि आप उसी टाइम लाइन में, उसी मोमेंट में हो, और उसी समय आपको जिसने ये ट्रॉमा दिया उसकी इमेज देखना है, और उन अगर वो बड़े हैं तो उनकी इमेज एक बच्चे की इमेज देखना है। तो जैसे ही आपने एक बच्चे की इमेज या उनको 3, 4, 5 साल के बच्चे के रूप में देखा, तो पहली भावना जो आपकी आई वो वहीं ख़त्म हो गई। क्योंकि बच्चे को जब हम देखते हैं ना, तो कभी नफरत नहीं निकल सकती आपके फीलिंग्स से, आपको महसूस नहीं हो सकता, आपके मुँह से उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं निकल सकती। तो वो बच्चा है, और फिर उसकी एनर्जी देखिए, उसको गले लगा लीजिए, उसको मैंने तुम्हें माफ़ किया, मुझे पता है कि ये तुम्हारी एनवायरनमेंट की वजह से हुआ, तुम्हारे बिलीव्स की वजह से हुआ, ना कि मेरी वजह से हुआ, या मैंने ऐसा बोला इसलिए हुआ, और ना ही मैं डिज़र्व करता हूँ, और ना ही ये मेरा सच है, मैं अलग आत्मा हूँ, मैं अलग व्यक्ति हूँ, मैं अलग एंटिटी हूँ, आपके थ्रू आया जैसे पेरेंट्स के लिए, या इस पृथ्वी पर किस एक उद्देश्य के कैसे आया, ये मेरी एक पर्सनल जर्नी है, पर मैंने तुम्हें पूरी तरह माफ़ किया, और खुद को भी माफ़ किया कि मैंने इतने दिन तक इस चीज़ को खुद के अंदर रखा, और दुख तकलीफ उसकी उठाई, और आज मैं उस चीज़ को रिलीज़ करता हूँ। बस इसी प्रोसेस से आप जितने भी आपको ऐसे वुंड लगे हों, कोई लड़ाई झगड़े की बात हुई हो, या कोई भी चीज़ जो आपको तकलीफ़ दे रही हो, उसको इस तरीके से इमेजिन कीजिए, उसको रिलीज़ कर दीजिए। परिस्थितियों को भी आप रिलीज़ कर सकते हो सिर्फ ज्ञान के थ्रू, और उसको महसूस कीजिए, और अपने आप को
आई रिलीज दिस एनर्जी, आई रिलीज दिस एनर्जी। बस आप इस तरह से मूवमेंट करके उसको हमेशा के लिए निकाल दीजिए और फिर देखिए कितना हल्का महसूस करते हो। अपने दिल में केवल केवल प्यार के लिए जगह दीजिए। दिल हमारा जो बना है वो प्यार से ही बना है, और जितनी फीलिंग्स हैं आपकी लव की, उसका स्थान भी हृदय है। और जब हृदय को बोलते हैं ना अरुण पुष्पवत या कमलवत, तो जब उसकी पंखुड़ियाँ खुल जाती हैं तो फिर देखिए कि वैसे ही आपकी जब हृदय का चक्र खुल जाएगा तो एनर्जी फ्लो होने लगती, लव और अबंडेंस की एनर्जी, अमेजिंग एनर्जी होती है। आप छोटी मोटी चीज़ें क्या, असंभव चीज़ें भी मैनिफेस्ट करने लगोगे। यस माई डियर फ्रेंड, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि दूसरों को माफ़ करो तभी आपके मैनिफेस्टेशन होते हैं, और दिल से माफ़ करो क्योंकि वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता इस ब्रह्मांड में, सिर्फ आप उसको कैरी करके रखे हो और खुद रोक के रखे हो अपने मैनिफेस्टेशन को। तो आज उसको रिलीज़ कीजिए और मैनिफेस्टेशन को वेलकम कीजिए, और हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।